नमस्कार। जन सरोकार मंच की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में आज भी मैं अपने कुछ गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हमारे लोक जीवन में चिड़ियों पक्षियों का बड़ा महत्व रहा है। अजब यह है कि कौवा जैसे पक्षी का आगमन और उसका उड़ना भी शगुन माना गया है। कौवा मुंडेर पर बैठकर काव काव करता है और उड़ जाता है, तो ये प्रिय के आने का शगुन माना गया है। कौवे को ओड़वा भी दिया जाता है कि वह काव काव करके प्रिय तमा को सताए नहीं, क्योंकि उसका पिया तो प्रदेश में है और आने की कोई संभावना नहीं है। कभी कहा जाता है कि यदि उसके पिया आ गए तो उसकी चोंच सोने से मंडवा देंगे। इस तरह लोकगीतों में ऊर्जा को अपने धर्म बहन मानकर संदेश दिया जाता है कि विरहने का दुख पिया को बताए और घर आने को कहे। होली के अवसर पर गाए जाने वाले धमाल में भी ऊर्जा को संदेश दिया जाता है। मोर जब लंबी तान छेड़कर पीऊ पीऊ करता है तो नायिका विचलित हो उठती है। मोर की ये विशेषता है कि वह कभी कभी रात को भी बहुत दर्द भरी आवाज निकालता है, तब उसका ये दुख नायिका का दुख बन जाता है। शेखावा के अंचल में पुराने समय से सेना में या प्रदेश में नौकरी करने की परंपरा रही है। बाद में अरब देशों में यहाँ के लोग मजदूरी करने। प्रस्तुत गीत मोरिया में ऐसी एक विरहणी मोर की दर्द भरी आवाज सुनकर गाने लगती है। सुनिए। मोरिया गहरो मोर रे, मोरिया गहरो बोलो रे, अरे हुक सुई मेरो के माथर, हुक सुई मेरो के मारो जीवड़ो नो रे, मोरिया गहरो गेरो ताड़ी को करे कमाई, आज बेड़ी की याद दिवाई, काड़ी को करे कमाई, आज बेड़ी की याद दिवाई, मेरे सुख बात ते मोरिया, मेरे सुख बात ते मोरिया, फिर अमृत रोयो रे मोरिया, गेरो बोलो रे मोरिया, गेरो बोलो रे, नैना में अब नींद न आवे, पीहू पीहू कर क्यों तड़पावे, नैना में अब नींद न आवे, पीहू पीहू कर क्यों तड़पावे, तारी मोरड़ी कट गई रे, हरी मोरली कट गई, कुण चारो गालो रे मोरिया, गहरो बोलो रे मोरिया, गहरो बोलो रे, रात है सुन से जान, धर्म का भाई कर दी दे जा, धरती राती है सुन से जा, धर्म का भाई कर दी दे जा, मदिर को झेल रही है, मदिर को झेल रही थे,
दिल खोलो रे मोरियो, गहरो बोलो रे मोरियो, गहरो बोलो रे हरी हूक सुनो जीवड़ो लो रे मोरियो, गहरो बोलो रे मोरियो, गहरो बोलो रे। अगला गीत है ये राजस्थानी में, और अगला एक गीत वो भी राजस्थानी में, फिर दो गीत हिंदी में। तो अगला गीत है किसानों अब तो जागो रे। ये गीत किसान को संबोधित किया गया है, और देश क्योंकि देश की 70% आबादी खेती पर निर्भर है, सबसे अधिक रोजगार दे रही है। कोरोना के संकट के समय कृषि ने हमारी अर्थव्यवस्था को संभाला, फिर भी किसान संकट में है, उसे अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद किसान का शोषण इसलिए होता है कि वह संगठित नहीं है, उसे जाति धर्म क्षेत्र आदि के आधार पर बांट दिया गया है। यही कारण है कि सारे राजनीतिक दल किसान का शुभ दिन तक होने का नारा लगाते हैं, लेकिन सत्ता पाने के बाद उसकी नहीं सुनते। यहाँ तक कि उसके बीच से चुने गए जनप्रतिनिधि भी जीतने के बाद उसके हित की बात नहीं करते। प्रस्तुत गीत में किसान को संगठित होने का आह्वान किया गया है, आप भी सुनिए। चलो अब तो जागो रे। सुनो अब तो जागो रे, बालो अब तो जागो रे, किसानो अब तो जागो रे, बालो अब तो जागो रे, थे जाति धर्म रो मेट जमेलो, कर लो साबो रे किसानो अब तो जागो रे। खतरे में खेती है थारो, अब एकतरी है सहारो, खतरे में खेत है तारो, अब एकतरी है सहारो, थे मेहनत कति सरदारो रे, डरी के मत भागो रे, किसानो अब तो जागो रे, भाईरो अब तो जागो रे। राजनीति बिजारा, ये मोल लगाऊं सारा, ये राजनीति बिजारा, ये मोल सारा, बाजारा उल्टा तानो रे, किसानो अब तो जागो रे, भाईरो अब तो जागो रे, आलस बच्चे रहियो, ये बात घर घर में करियो, दलाल सदस्य के करियो, ये बात घर घर में करियो, यो बनो खीरे तुम्हारे को पागो रे, किसानो अब तो जागो रे, भाईरो अब तो जागो रे। ऐसी रहो अन्नदाता, बन जाओ भाग्य विधाता,
लड़कियों की पहले बहुत बुरी स्थिति थी, उन्हें पढ़ाना तो दूर, खाना भी बासी दिया जाता था, उसे पराया धन समझा जाता था। मैंने अपने बचपन में खूब सुना है कि लड़की के लिए कहा जाता था कि उसे दूध देगी, खिलाने की क्या आवश्यकता है, वह कौन सा हल जोतेगी। लेकिन समय बदला, विशेष तौर पर शेखावत अंचल ने बालिका शिक्षा में नाम कमाया है। आज लड़कियां लड़कों से आगे हैं। शेखावत या गरीब किसान कर्जा लेकर भी बेटियों को पढ़ा रहा है। प्रस्तुत गीत ऐ भारत की बेटियों असल में बेटी के सम्मान में लिखा हुआ है, सुनिए। तो भारत की बेटियों तूफानों से मत घबराना, आगे ही बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना। भारत की बेटियों तूफानों से मत घबराना, आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना। शर्म हम को सदियों तक पहरे जो तुम पे बिठाए थे, अपनी गलती कब माने तुम पे इल्जाम लगाए थे, बंधन टूटे शोषण के अब गाओ खुशी का तराना, आगे ही बढ़ते जाना, आगे ही बढ़ते जाना। एक जिंदा है बचना वैसी निगाहों से, मिले भी कोई दुखियाहों से, अन्यायी के लिए हो दुर्गा निर्बल के लिए निस्काला, आगे ही बढ़ते जाना, आगे ही बढ़ते जाना। पुत्रों ने खींची है भेदभाव की दीवारें, मेहनत कष्टो भूखा सोता उनकी ऊंची नारे, समता के लिए है लड़ना कभी तुम तो पीठ दिखा देना, आगे ही बढ़ते जाना,
इज्जत हो मेहनत कसकी, सोशत को मार भगा देना, आगे ही बढ़ के जाना, आगे ही बढ़ते जाना। ऐ भारत की बेटियों तूफानों से मत घबराना, आगे ही बढ़ते जाना, आगे ही बढ़ते जाना, आगे ही बढ़ते जाना। मैं अपना अंतिम गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, ये भी हिंदी में लिखा गया है। गीत का शीर्षक है गांव की तलाश। निश्चय ही गांव की आर्थिक स्थिति पहले से बहुत सुधरी है, आजादी के आसपास ही मेरा जन्म हुआ है। मेरे बचपन में पूरे गांव में कच्चे घर और छान छप्पर थी, सिर्फ ठाकुरों की कोठड़ी और चौधरियों के एक दो पक्के मकान हुआ करते थे। गर्मियों के दिनों में जब आंधी चलती तो अक्सर गांव में आग लग जाती और पूरा गांव जलकर खाक हो जाता। धीरे धीरे पढ़ाई की ओर झुकाव हुआ, सरकारी नौकरियां मिली, इसी के साथ गांव की कायाकल्प होने लगी। लेकिन पिछले 25-30 साल में ऐसा लगने लगा कि आर्थिक उन्नति के साथ मानवीय गरिमा खत्म होती चली गई। प्रेमचंद के पंच परमेश्वर अब नजर नहीं आते। कभी गांव राम का नारा होता था, अब परस्पर द्वेष था, ईर्ष्या और नशे ने गांवों को बर्बाद कर दिया है। प्रस्तुत गीत में कवि ने अपनी व्यथा को प्रकट किया है, आप भी सुनिए। शीर्षक गांव की तलाश। देखे जो मंजर मैंने सुबह ओ शाम को, किसने किया बर्बाद मेरे इस गांव को। देखे जो मंजर मैंने सुबह ओ शाम को, किसने किया बर्बाद मेरे इस गांव को। कि वो चौपाल कहाँ है, पनघट का वो प्यार कहाँ है, कहाँ गई होली की मस्ती, ईद दिवाली की वो प्रीति। सावन का कोई गीत नहीं है, आपस में कोई प्रीत नहीं है, रिश्ते नाते खत्म है सारे, मात पिता अब बने बेचारे, बाप खड़ा वे धूप में देखे छांव को, किसने किया बर्बाद मेरे इस गांव को। अरे किसने किया बर्बाद मेरे इस गांव को। हंसते हुए शैतान को देखा, गिगियाते इंसान को देखा, उगड़ी देखी लाज बहन की, बिकते हुए ईमान को देखा। देवद से था माना हमने, बोझ हुए मेहमान को देखा, गुंडे खाते पीते जहाँ पे, मंदिर के उस लॉन को देखा। अड्डा बना दिया है एक एक ठाम को, किसने किया बर्बाद मेरे इस गांव को। मैंने देखा रंग बदरंग है, बदल गया बातों का ढंग है, कुए कुए में भंग पड़ी है, झूठी शान उमंग खड़ी है,
चोर खड़ा है सिपाही के संग, बला आदम देखा है तंग, केक पर उसके लात पड़ी है, देखा रंग बदरंग है, बदल गया बातों का ढंग है, कुएं कुएं में ढंग पड़ी है, झूठी शान उमंग खड़ी है, चोर खड़ा है सिपाही के संग, बला आदम देखा है तंग, पेट पर उसके लात पड़ी है, नैतिकता की औकात यही है, गली गली में नेता भूमि नाम को, किसने किया बर्बाद मेरे इस गांव को, झूठ की कैसी जय जयकार है, सच पर पड़ती देखी मार है, टीचर का श्रृंगार है देखा, स्कूल बनी बाजार है देखा, मुट्ठी में कानून है देखा, किच किच दोनों जून है देखा, बड़े चौक में फिरे लफंगे, पूनी भैंसे देखे नंगे, व्यभिचार का अड्डा बनाया धाम को, किसने किया बर्बाद मेरे इस गांव को, जात पात के जहर को देखा, धर्म के गिरते कहर को देखा, जो इंसान को मरवाता है, धर्म का रक्षक कहलाता है, भाई से वे करे लड़ाई, बाहर दे वे जात दुहाई, कैसी है आग लगाई, मानवता की सामति आई, छेवनहार ही आज डुबोए नाव को, किसने किया बर्बाद मेरे इस गांव को, पढ़े लिखे वो अनपढ़ देखे, दलालों के वो गद्दी देखे, जोहर में भूखंड को देखा, बीच चौक में खड्ड को देखा, हमने कैसा गांव बनाया, जिसको देख के रोना आया, कैसा ये विकास हमारा, खत्म हुआ विश्वास सारा, सबसे ऊपर समझ रहे दस दाम को, किसने किया बर्बाद मेरे इस गांव को, कहां गई खेती होरी की, क्यों उठती इज्जत छोरी की, गनिया का क्यों फटा चीर है, गांव की हालत बनी गंभीर है, समाज सेवी का धंधा देखा, गरीब का खून मंदा देखा, अपने गांव की मुझे तलाश है, जन जन पर जहाँ हो विश्वास, कौन मिटाएगा इस अलगाव को, किसने किया बर्बाद मेरे इस गांव को, देखे जो मंजर मैंने सुबह ओ शाम को, किसने किया बर्बाद मेरे इस गांव को, अरे किसने किया बर्बाद मेरे इस गांव को, मेरे इस गांव को, मित्रों विश्वास है आपको राजस्थानी और हिंदी लिखे ये गीत पसंद आए होंगे,
अपनी प्रतिक्रियाओं से जरूर अवगत कराना। एक बार सभी का फिर से धन्यवाद।